हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं किमची। ये एक कोरियन डिश है और मैं इसे पहली बार ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए। तो मैंने पत्ता गोभी को 2 घंटे पहले नमक के पानी में भिगो के रख दिया था। ये है मेरे पास 2 घंटे पहले भीगी हुई पत्ता गोभी। इसको हम थोड़ी देर और ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहले हम बना लेते हैं चावल के आटे का एक पेस्ट। ये मैंने पैन में पानी डाल लिया है। इसको अच्छे से गरम कर लेती हूँ पहले। इसके बाद ये मेरे पास चावल है, ये अच्छी तरह से पीस नहीं पाया तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा हल्का दरदरा पीस लिया चावल का आटा। अब इसको मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और इसको जब तक ये अच्छे से पेस्ट बन जाता है ट्रांसपेरेंट तब तक मैं इसको गरम कर लेती हूँ। ये देखो एक अच्छा पेस्ट बन गया है। मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी डाल दी है। अब मैं इसको एक कटोरे में निकाल देती हूँ। ये मैंने एक बाउल में निकाल दिया इसको और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये मैंने बना के रखा हुआ था अभी। अब मैं इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने हल्का जो गरम चावल का पेस्ट है उसमें डाला है ताकि थोड़ा ये हल्के से जो इसकी अदरक की और उसकी लहसुन की स्मेल है वो थोड़ी सी कम हो जाए। अब ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च डाल लेती हूँ और स्वाद अनुसार नमक। नमक मैं थोड़ा सा कम रखूँगी क्योंकि मैंने पत्ता गोभी जो भिगोई थी उसमें भी नमक रखा हुआ है। ये मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, क्योंकि कश्मीरी जो लाल मिर्च है ये तो बस एक टेस्ट के लिए या फिर एक दिखाने के लिए होती है। ये 1/2 चम्मच के अनुसार मैंने डाल लिया सोया सॉस। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी क्योंकि इस तरह मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है सारे मसाले को। ये देखो कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, जो मैंने पहले पत्ता गोभी के टुकड़े थे वो भिगो के रखे हुए हैं मैं एक थोड़े से बड़े बर्तन में डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे मिक्स करने सारी चीज़ें इसमें तो हो नहीं पाएंगी। तो मैंने सारे अच्छे से निचोड़ के, इनका पानी नहीं लेना, अच्छे से पत्ता गोभी के जो पत्ते हैं निचोड़ के इसमें डाल लिए हैं। अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक गाजर और एक मूली और मैंने कद्दूकस किया हुआ है। ये मैंने डाल लिया है इसमें गाजर और एक मूली और एक गाजर। बल्कि मेरे पास दो प्याज थे स्प्रिंग हरे प्याज, वो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं और वो भी इसमें डाल लिए। अब इसके बाद मेरे पास जो मसाला था जो मैंने पहले बना के रखा हुआ था ये, अब मैं इसको इसमें डाल लेती हूँ। ये मसाला मैं इसमें डाल लिया है। ये मसाला डालने के बाद अब मैं इसको, वो आपकी मर्जी है आप कैसे मिक्स करना चाहोगे। मैंने इसमें 2 चम्मच के अकॉर्डिंग लाल तेल डाल लिया है। आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो या फिर तिल का तेल भी, वो आपकी मर्जी है। मैंने इसमें सरसों का तेल यूज़ किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी क्योंकि इसमें क्या है, जो ये गोभी के पत्ते हैं इनमें सब में ये मसाला लगना ज़रूरी है। अब मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये मिक्स करके बिल्कुल थोड़ा सा हो गया है। ये देखो मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखो आप देख रहे होंगे, मिक्स करने के बाद मैं एक कांच का बर्तन लेती हूँ और कांच के बर्तन में इसको फिल कर देना होता है। ये मेरे पास एक कांच का छोटा ही बर्तन है और ये इसमें प्रॉपर आ जाएगा सारा। ये मैंने कांच के बर्तन में थोड़ा थोड़ा करके ये सारे जो मेरे पास इधर मैंने बना रखा है ये किमची, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये मैंने सारे इसमें डाल दिया, ये मैंने पैक भी कर दिया।
अब मैं इसमें एक चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। ये मैंने एक चम्मच विनेगर डाल दिया इसमें, और इसको बंद करके दो दो दिन धूप में रखना है।